बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रब हाशमी। दोस्तों लादी गैंग के चर्चे आजकल मीडिया में और पाकिस्तानी अवाम में हर जुबान पर हैं। लादी गैंग क्या है? क्या ये वाकई एक आदि क्रिमिनल डकैत गिरोह है या फिर कुछ नाकाबिले बर्दाश्त महरूमियों ने इन्हें इस दलदल में धकेला है? मैं आज आपसे अहम तरीन मालूमात शेयर करने जा रहा हूं और ये मालूमात यकीनन आपके लिए मुफीद होंगी और इन मालूमात को सामने रखकर हकूमत भी अगर बेहतर स्टेप लेती है तो इन मामलात को, बल्कि इस तरह के जो भी मामलात पैदा होते हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को टच कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों लादी गैंग क्या है, आइए शुरुआत करते हैं। 2008 लादी गैंग की बुनियाद रखी जाती है। मोहम्मद लादी नामी शख्स इस गैंग का सरबरा है। लादी जानी कौम की एक शाख है। इस कौम की आबादी लाखों में है। मसला कहां से शुरू हुआ? मसला शुरू हुआ एक सीमेंट फैक्ट्री से। इलाके में सीमेंट फैक्ट्री के कयाम पर लादी कौम के और इलाके के लोगों ने कुछ शराइत रखी और वो शराइत क्या थी? यकीनन मेरी नजर में वो शराइत इंतहाई बेहतर और जायज थी। तो दोस्तों इलाके के लोगों की जानिब से रखी गई शराइत में नंबर 1 नौकरी का हक सबसे पहले इलाके के लोगों का है। उसके बाद नंबर 2 इलाके में तरक्याती काम कराए जाएं क्योंकि वो इलाका इंतहाई पसमानदा इलाका है, वहां सरदारी निजाम नाफिज है। नंबर 3 इलाके के लोगों को उनके बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम किया जाए, पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए, रोड रास्ते बनाए जाए और बिजली मुहैया की जाए। इस तरह के जिंदगी के साथ जुड़े हुए बुनियादी जरूरियात उन्होंने इसका मुतालबा किया तो यकीनन इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने अर्ज किया कि इलाके में सरदारी निजाम है और सरदारी निजाम होने की वजह से ये शराइत पूरी ना हो सकी और इन शराइत के पूरी ना होने की वजह से मामला बिगड़ने की शुरुआत हुई। ये शराइत क्यों पूरी ना हुई? क्योंकि वहां सरदारी निजाम नाफिज है। इस इलाके में खोसा सरदारों का सियासी माशी हर तरह से असर रसूख है। मोहम्मद लादी की ये शराइत
सरदारों को पसंद ना आ सकी। और फिर क्या होता है, वही होता है कि जो आम तौर पर एक ताकतवर और एक कमजोर के दरमियान सिलसिला शुरू होता है। लादी गैंग के सरबराह और लादी गैंग के दीगर अफराद के ऊपर मुकदमात कायम कर दिए गए। लादी गैंग के अफराद अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पुलिस के जरिए और अपने असर रसूख से मरवाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो दोस्तों, इस दौरान मोहम्मद लादी को जंदानी बिरादरी के लोगों ने मुखबरी करके मरवा दिया। लादी गैंग अपने सरबराह के मरने के बाद भी बढ़ता चला गया और रास्ते में कोई भी आया, चाहे वो कोई अपना हो, भाई हो, सास हो, ससुर हो, रिश्तेदार हो, उन्होंने शक की बुनियाद पर उस पर बिल्कुल रहम नहीं किया। मैं लादी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, लादी ग्रुप ने यह काम किया। हाल ही में जो वीडियो वायरल हुई वो लादी गैंग का ही कारिंदा था, उसके कान नाक काटे गए और उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया गया, आखिर वो मर गया। और ये वीडियो लादी गैंग ने सोशल मीडिया पर छोड़ दी खौफ फैलाने के लिए। तो दोस्तों, लादी गैंग ने हमेशा शुरुआत में पुरमन तरीके से अपने जायज मुतालबात मनवाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने गए। और उसके बाद उन पर जब इंतकामी सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो मजबूर हुए कि वो रियासत के खिलाफ खड़े हों। मैं लादी गैंग का, डकैतों का, क्रिमिनल्स का हरगिज दिफा नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे ऐसी कौमों जो महरूमी का शिकार हैं, ऐसी बिरादरियों जो महरूमी का शिकार हैं, उनके साथ बातचीत के जरिए, उससे पहले के मामलात खराब हों, बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। तो दोस्तों, लादी गैंग ने सीमेंट फैक्ट्री पर हमले करना शुरू किए और इन हमलों में सीमेंट फैक्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस वक्त लादी गैंग और पुलिस के दरमियान कशमकश का सिलसिला जारी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि लादी गैंग इस वक्त जहां मौजूद है वो पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं और लादी गैंग के पास असलिया की बहुतात है। मेरा खुद राजनपुर, डेरा गाजी खान, जामपुर,
अपने बिजनेस के हवाले से आना जाना रहा है, तो मैं अक्सर देखता रहा कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जदीद असलहा मौजूद हुआ करता था। बहरहाल मसला आप आज ताकत से हल कर लेंगे, लेकिन ये पायदार हल नहीं होगा जब तक कि आप वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपने बलूचिस्तान में इस्तेमाल किया। आप इन लोगों को अपने साथ बिठाएं, इनसे बात करें और इनके जायज मुतालबात पर अमल करें, इनको सहूलियात फराहम करें। ये रियासत का काम है। रियासत माँ जैसी तब होगी जब रियासत अपने हर शहरी को माँ जैसा सुकून फराहम करेगी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ इस वक्त तक